वेलकम गाइस, कम बैक टू माई चैनल दयाराम ब्लॉग में आप लोगों का दिल से स्वागत है। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री महाकाल। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को नए साल के ढेर सारे शुभकामनाएं और बधाई हो। हमेशा खुश रहे। नया साल आप लोगों के लिए एक नए उम्मीद और नए किरण के साथ शुरुआत हो। भगवान श्री राम से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग हमेशा खुश रहें, आनंद रहे अपने जीवन लाइफ में। तो गाइस, आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं बधाई हो, शुभकामनाएं नए साल के, कोटि कोटि गाढ़ा गाढ़ा बधाई हो। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों के लिए आज छोटा संदेश लेकर आया हुआ हूँ, ठीक है। और हम लोग एक भारतीय हैं, बहुत ही गर्व की बात है कि 22 जनवरी को अयोध्या मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। तो आप भी अवश्य ही घर में 22 जनवरी को शाम के समय एक बार फिर से दिवाली के रूप में मनाना है और एक दीप जला देना है। यही एक नए साल का तोहफा है हमारे लिए। तो आई होप आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम लिख देना है, ताकि हम लोग भारतीय ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब में फैल सकें। तो गाइस, आप भी एक बार अवश्य जाना है अयोध्या मंदिर दर्शन करने, हम लोग भी जाएंगे। तो प्लीज़ गाइस, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, आप लोग सपोर्ट कीजिए, एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना है भगवान श्री राम के लिए। ऐसी उम्मीद आप लोगों के लिए मैं भी प्रार्थना करता हूँ, भगवान श्री राम हमेशा आप लोग मुस्कुराते रहें, खुश रहें जिंदगी में, लाइफ में। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर हमारी तरफ सभी गाइस। और हमारे गांव के स्टूडेंट यहां सभी अब आप लोगों को बधाई देते हुए आज छोटा सा ब्लॉग, चलो बोलो यार। और तो गाइस, हम लोग आज पिकनिक जाएंगे और निर्मल आचार्य जा रहे हैं, तो उनका विदाई समारोह है। और सभी को हैप्पी न्यू ईयर बोल दो। हैप्पी न्यू ईयर सबको हमारी तरफ से। हैप्पी न्यू ईयर आला फिर स्टूडेंट, छोटा सा ब्लॉग। हैप्पी न्यू ईयर का आपको ढेर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो गाइस, आप लोग भी अच्छे लोगों के लिए लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना है। हम लोग पूरे एंजॉय साथ मान रहे हैं पिकनिक। तो आई होप गाइस, आप लोग भी अवश्य अपने अपने घर में दीप जलाएंगे और एक बार फिर से 22 जनवरी को पूरा उत्साह और उत्सुक के साथ भगवान श्री राम के लिए एक दीप जला देना है अपने घर में और एक बार अपने परिवार में खुशी मनाना है, क्योंकि फिर से अयोध्या में एक बार फिर से भगवान श्री राम का आगमन हो रहे हैं। तो देशवासी, आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में लिख देना है जय जय श्री राम, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ आप लोगों के लिए मैं भी भगवान श्री राम से प्रार्थना करूंगा, हमेशा खुश रहें और नया साल आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कार्य सफल हो। इस उम्मीद के साथ मैं भी इस ब्लॉग को अंत करता हूं और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री राम।